जो बहरिया टाउन कराची में 2 बेड अपार्टमेंट्स में ऑप्शंस हैं, जो बहरिया के अपने प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें देखें हमारे पास ऑप्शंस तो हमें सबको पता है कि क्या है, लेकिन उनका अगर एक कंपैरिजन किया जाए तो उनमें से किस प्रोजेक्ट में एक फैमिली को जो है सूट करता है ज़्यादा, और क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि ज़्यादा प्रॉपर्टी की कीमत भी अप्रिशिएट होगी या स्टैगनेंट रहेगी, तो इस बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए प्लीज़। बिल्कुल, इस वक्त 2 जगह पे है बैरिया में जहाँ पे अकोमोडेशन, एक जगह पे तो है प्रिज़न 19 जहाँ पे 2 बेड के अपार्टमेंट्स है, एंड सेकेंडली जहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा है दैट इज बैरिया हाइट्स। हाइट्स को भी हाइट्स इसलिए कहा जा रहा है कि एक तो बैरिया में ऑलरेडी वो हाइट पे वहाँ पे वो इतना ज़बरदस्त बिल्डिंग्स बन रही हैं और उनकी क्वालिटी बहुत बेहतर है। 1100 स्क्वायर फीट की वो उसका 2 बेड का रूम है, और अगर इसको कंपेयर करें विद प्रिज़न 19 तो ये बड़े हैं, यहाँ पे ये ज़्यादा लग्जोरियस हैं। फिर यहाँ पे इसके एडवांटेजेस हैं काफ़ी सारे, एक तो हाइट पे है, ज़्यादा लोग उसको लाइक करते हैं कि उसकी वेंटिलेशन ज़्यादा प्रॉपर है, और ख़ास तौर पे इसमें आउटर इनर का जो डिफरेंस है, जैसे पिछले 19 में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं कि वो फेसिंग कहाँ पे है, कंपाउंड का फेस कर रहा है या आउटर है, इसी तरह का यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जो जिसको लाइक किया जाता है वो आउटर साइड को किया जा रहा है बैरिया हाइट्स में। इसकी प्राइसेस जो है इवन अभी तक इसकी यहाँ पोजेशन नहीं थी बैरिया में, इवन देन यहाँ पे अच्छी डिमांड भी है और यहाँ पे अच्छी उसकी, यानी जो लोग उसको देखते हैं आके वो लोग उसको अभी भी बुक करते हैं और चाह रहे होते हैं कि वहाँ पे उसको बाय कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर यहाँ पे बैरिया ने जैसे अनाउंस किया है जो इन 6 मंथ्स यहाँ पे पोजेशन भी देने लगा बैरिया, तो ये एक गुड न्यूज है इसके हवाले से। साल में पिछले 10 में उसकी शॉपिंग गैलरी है, और यहाँ की अच्छी बात है यहाँ पे नीचे सारी शॉप्स हैं, ये जो टावर्स बन रहे हैं बैरिया हाइट्स के, यहाँ पे नीचे सारी शॉप्स हैं, आपको ज़्यादा डिस्टेंस पे ट्रैवल करके जो यानी बिल्कुल कुछ असेंशलिटीज होती हैं, जैसे बाइंग सेलिंग के हवाले से अगर बात करें, बहुत यानी अगर फैमिलीज यहाँ पे रहती हैं तो उनके लिए बड़ा आइडियल यहाँ पे बनाया जा रहा है बैरिया हाइट्स का। आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले अगर हम इसके मेजरमेंट्स की बात करें तो मेजरमेंट के लिहाज से जो ये जो प्रिज़न 19 के अंदर 2 बेड है ये 950 स्क्वायर फीट के, ठीक है, और इसके साथ ही अटैच वाशरूम है, इसका जो अंदर से इंटीरियर बनता है किचन आ जाता है। और अगर हम बैरी हाइट्स की बात करें तो इसके लॉन के साथ ही उन्होंने एक अटैच वाशरूम दिया, यानी कि उसके जो है ना लॉन के साथ वाशरूम उसका इजाफा किया गया, और उसका जो एरिया बनता है वो 1100 स्क्वायर फीट बनता है। तो एक तो मेन चीज़ ये है। उसके बाद अगर इसकी फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो इसका जो वाटर सप्लाई सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, और सैनिटेशन सिस्टम है, ये सब अंडरग्राउंड है, मेन चीज़ ये। उसके बाद अगर इसके आप देखते हैं कि इसके पार्किंग के लिहाज से देखते हैं प्रिज़न 19 को, तो जो प्रिज़न 19 का पार्किंग एरिया वो बहुत खुला है, आप अभी भी देख रहे हैं, क्योंकि ये ऑपरेशनल है तो बच्चों के लिए अलहदा जो इन्होंने पार्किंग जो भी उनके टॉय वगैरह या फिर छोटी गाड़ियां वगैरह उसके लिए अलहदा पार्किंग का इन्होंने निज़ाम बनाया है, और उसके अलावा जो दूसरे मेम्बर हैं उनके लिए अलहदा पॉपुलेटेड है ना, लोग वहाँ भी नहीं रह रहे हैं, बैरिया ने सबसे पहले इसी का अकोमोडेशन दिया है यानी लोगों को इसके पोजेशन, और क्योंकि बैरिया में एंटर होते ही सबसे पहले आ जाता है। क्या ख्याल है आपका मनी? हाँ, मैं देखिए मेरा देखने का नज़रिया यह है कि अगर बैरिया ने प्रिज़न 19 में ये बच्चों की बाइसाइकल्स की पार्किंग की बात करें, पार्क्स की बात करें, तो वो जगहें बैरिया हाइट्स में भी हैं, बीच में पैरेलल रोड्स हैं और उनके बीच में पूरी ग्रीन बेल्ट है, और पार्किंग वहाँ भी बेतहाशा है हर टावर के इर्द गिर्द और बीच में, और वो सर्विस लाइन्स के ऊपर। मेरे हिसाब से बैरिया हाइट्स देखें इट्स अ विन विन सिचुएशन, क्योंकि लिमिटेड टावर्स हैं, 8 टावर्स बने हुए हैं एक जगह, ठीक है, और उनके बीच में स्पेस बहुत है, देखा जाए तो एक एक्सक्लूसिविटी का लुक आता है, और वो बड़ी हाइटेड लोकेशन पर, ठीक है, चारों तरफ से खुले में उनके आसपास कुछ नहीं बनना। फिर नीचे जो शॉप्स हैं, ठीक है, कुछ लोग ज़्यादातर फैमिलीज़ को पसंद होता है कि उनको बस नीचे उतरें सारे चीज़ें सामान मिल जाए, बहुत ही कम फैमिलीज़ होती हैं जो कहती हैं यार खिंच खिंच हो जाती है, लेकिन बीइंग बैरिया यहाँ पे वो खिच खिच नहीं होगी। आपको पता है कि इनकी शॉपिंग गैलरीज और इनकी शॉप्स और उनकी हर तरह की कमर्शियल एरिया को बहुत वेल मैनेज किया जाता है, उनके SOPs होते हैं, वायलेशंस पे उनको पिनलाइज किया जाता है। तो ये दूध दही की दुकानों में जिस तरह गन मच जाता है, बाहर कुर्सियाँ लग जाती हैं, चाय के होटल खुल जाते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अगर प्रिज़न 19 में देखा जाए तो प्रिज़न 19 में भी ये चीज़ नहीं, मार्केट एक रहता है, मार्केट नहीं है, मार्केट वो उसके अंदर बना दी गई है, एक साथ ही बना, लेकिन ये कि इसको जो अलहदा कर दिया गया, तो इसमें प्रिज़न 19 आप देख लें कि वो दैट इज द सेम जैसे बैरिया का हर प्रिज़न है ना, उसमें प्रिज़न 19 आता है, तो वहाँ पे उसका अलग से आपने शॉपिंग के लिए यानी शॉपिंग गैलरी सेपरेट बनाई है, उसकी जामा मस्जिद अलग सारी चीज़ें ना,
तो बाकी जैसे प्रीसेंट टू की बात करें, टेन ए की बात करें, तो वो एक प्रीसेंट की तरह से है, जो हाइट्स का एरिया है वो उस तरीके से बिल्कुल सेपरेट प्रीसेंट नहीं, लेकिन वहाँ पे जो पॉपुलेशन है, तो वो क्योंकि वो जैसे बता रहे हैं कि 8 टावर्स हैं और उनमें अच्छे खासे वो सारे अपार्टमेंट्स हैं, और वो कंपेरेटिवली साइज का जैसे डिफरेंस कह रहे हैं तो वो 1100 के हैं, बड़े हैं, स्पेशियस हैं कंपेरेटिवली, और हाइट पे हैं, वो भी उनकी एक ब्यूटी है। फिर इनर वाली जो है वहाँ पे उसकी प्राइस थोड़ी कम है, और बैरियर हाइट्स के जो आउटर है उनको ज्यादा लाइक किया जाता है, उनकी प्राइस ज्यादा है, लेकिन व्यू के लिहाज से भी जो है ना बिल्कुल ऐसे ही चीज़ें। मेरे हिसाब से आई एम नॉट अ बिग फैन के वो साइज में कोई खास फर्क है, लेकिन 150 स्क्वायर फीट डजंट मैटर, इतना कोई फर्क नहीं होता। उनका लेआउट भी जो है वो तकरीबन तकरीबन सेम है, ज्यादा फर्क नहीं है, बट रूम्स की जो डायमेंशन है वो बड़े हैं, थोड़ा कुशादा, थोड़ा सा कुशादा हो गया, और एक वॉशरूम और लाउंज में ऐड कर दिया। तो अब ये है कि आपके गेस्ट आते हैं 2 बेड अपार्टमेंट में, आपको बेडरूम से उनको बाथरूम में ले जाना पड़ता है, अब वो नहीं होगा, आप लाउंज वाला उनके वो गेस्ट रूम यूज कर सकते हैं, दैट्स वो प्राइवेसी एक फैक्टर हो जाता है। और ये कि देखें अगर अभी रेट्स की बात की जाए, तो अभी 2 बेड अपार्टमेंट से कम बैरियर हाइट्स के रेट्स, थोड़े से स्लाइट डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन अगर ऑन अ होल उसकी वैल्यू देखी जाए तो बैरियर हाइट्स एक्सपेंसिव होना चाहिए। तो अगर कोई इस वक्त लेना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके लिए बहुत आइडियल टाइम है, और ये प्राइसेस सस्टेन किया है उन्होंने पिछले 2 साल से, ये कभी शूट किए इतने ज्यादा शूट नहीं किए, ये 60-65 तक गए, लेकिन फिर ये भी आ गया क्योंकि पोजीशन डिले हुआ था। तो अब जो टावर ए है उसका कंप्लीट फिनिशिंग वर्क हो चुका है, उसमें ग्लासेस, विंडोज, एवरीथिंग इज रेडी, अन करीब आई थिंक ये अभी लॉकडाउन नहीं होता तो प्रोबेबली उसका 2-3 महीने में पोजीशन हो जाता है, मॉडल उसका तैयार हो जाता है। तो जैसे हालात बेहतर होते हैं, आई थिंक आई एम श्योर के विद इन 30-60 डेज बैरियर्स को स्पीड अप करेगा इस प्रोसेस को, और हम खुद बेचैन हैं कि उसका मॉडल अपार्टमेंट देखें, और देखें सबसे बड़ी चीज़ उसकी जो उसकी लोकेशन है, आपके पास 4 एंट्रेंसेस और 4 एग्जिट्स हैं उधर जाने के लिए, ग्रैंड जामे मॉस्क आपके सामने है, ठीक है, तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड लोकेशन एट ऑल। और जो लोग कहते हैं कि यार इतना अंदर, इट्स नॉट दैट फार, बैरिया के अंदर अगर आप बात करें ना मूव करने के लिए, तो सबसे आइडियल जगह बनती है वहां से आप टुवर्ड्स एवरीवे, टुवर्ड्स एवरीवे सेंटर में, और फिर आपको वहां से पूरे बैरिया का व्यू मिलता है। अच्छा, इसका जो एलिवेशन देखा जाए ना बैरिया हाइट्स का, वो भी एक हिस्टोरिकल टाइप है। हां, बड़ा खूबसूरत, जैसे दुबई का विक्टोरियन स्टाइल कह रहे हैं, दुबई का इतने बतूता गेट है, इतने बतूता गेट उससे इंस्पायर्ड है, काफी बात कर ली, काफी डिस्कशन कर ली, प्रीसेंट 19 को इग्नोर नहीं किया जा सकता, पिछले 5 साल से लोग वो प्रीसेंट आबाद है, 5 साल से लोग वहाँ रहते आ रहे हैं, रोना शुरू हुआ है, वो वन ऑफ द फर्स्ट प्रीसेंट्स है जिसमें बहुत ज्यादा आबादी है, भी टाउन में तकरीबन इस वक्त मोर देन 9000 फैमिलीज उस प्रीसेंट में आबाद हैं, और कभी सुनने में नहीं आया कि पानी चला गया, बिजली चली गई, या किसी की गाड़ी डैमेज हो गई, या किसी की साइकिल चोरी हो गई, या किसी में लड़ाई हो गई। कितना वेल मैनेज्ड है, जो उनकी लिफ्ट्स हैं, एलिवेटर्स हैं, उन तक उन्होंने मार्किंग की है, और मैं आपको बताता चलूं कि इनकी अपनी हाउसकीपिंग टीम्स हैं हर टावर के अंदर, एक तो 2-4 पैसेंजर लिफ्ट्स हैं, एक कार्गो लिफ्ट है दोनों साइड्स पे, ए एंड बी साइड्स पे, फिर उनका रिसेप्शनिस्ट है नीचे, टावर्स में इंटरकॉम सिस्टम है जो कि इंस्टॉल नहीं हुआ है बट हो जाएगा, और फिर अब RFID कार्ड्स इशू होने के बाद ये भी सुनने में आ रहा है कि जो गेट्स हैं उन पर ऑटोमेटिक लॉक्स इस तरफ जाएंगे, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी जिद्दत वाली चीज़ है, बहुत सिक्योरिटी है, और मैं आपको बताता चलूँ हाउस कीपिंग के पास बड़ी जिद्दत वाली मशीन्स हैं जिनसे वो फ्लोर स्वीपिंग करते हैं और उनको पॉलिश करते हैं रोज हर फ्लोर पे, और मुझे नहीं लगता कि कराची किसी कमर्शियल टावर में भी इस तरह की क्लीनिंग होती है। गार्बेज शूट्स हैं, डेडिकेटेड एरियाज हैं, हर जगह प्रॉपरली एक इमरजेंसी लेआउट प्लान दिया हुआ है, फायर एग्जिट्स हैं, और कुशादा है, और हर चीज ऑपरेशनल है, कोई चीज ऐसी नहीं जो हम सिर्फ बातें करें, वहां पे आप फिजिकली देख ना सकते, आपके पास हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट है। सबसे आजकल की मेन नीड जो एम्पल पार्किंग स्पेस, बच्चों के लिए नीचे आपके पास इतने सारे पार्क्स, तो मैं देखें मैं तो ये भी कहूँगा कि जो लोग प्रेफर करते हैं कि वो नीचे कमर्शियल ना हो,
कमर्शियल हट के हो और अपार्टमेंट्स बिल्कुल अलग थलग हों, तो उस हिसाब से फिर मैं प्रेफरेंस देता हूँ कि प्रीसेंट 19 के टू बेड अपार्टमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। इसमें कोई शक नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसमें अगर एक बंदा अभी फौरी तौर पर बैरियर में शिफ्ट होने जा रहा है और वो अभी ये प्लान करता है कि मैं पॉपुलेटेड एरिया में ही जाऊँ, तो उसके लिए बेहतरीन और सबसे आइडियल सेफ इन्वेस्टमेंट है ना, आप जब भी बेचना चाहें बेच जाते हैं। फ्यूचर में अगर आप बात करें तो हाइट्स तभी सेम होने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे उसमें अकोमोडेशन आती है लोग रहना शुरू करेंगे। अभी जो उसके प्राइस डिफरेंस है विद प्रीसन 19 वो इतना ज्यादा नहीं है, स्लाइट डिफरेंस है। और जब वहाँ पे पोजेशन आ जाती है और लोगों ने रहना शुरू कर दिया, तो मेरे ख्याल में उस वक्त एक ह्यूज डिफरेंस। अच्छा, आप उस वक्त क्या प्रेडिक्ट करते हैं रेंटल वैल्यू में कितना फर्क आएगा? प्रीसन 19 में जिस तरह 20,000 का एक स्टैंडर्ड है, वहाँ पे क्या चलेगा? 25 किसी का भी, अगर प्रीसन 19 की बात करें 35-40,000 से स्टार्ट हुआ था, अब ये कम हो गया था क्योंकि टावर्स काफी सारे हो गए, जैसे मतलब नंबर ऑफ अपार्टमेंट ज्यादा हो गए, जिसकी वजह से इसका रेंटल वैल्यू कम हुई। अब वेरी करता है, जब यहाँ पे आके पोजेशन लोग लेंगे और वहाँ पे रहेंगे तो उस वक्त यहाँ पे क्या मार्केट ट्रेंड बनता है, क्योंकि ये जो रेंट वैल्यू है ये सारी डिपेंड तो मार्केट ट्रेंड पे ही हो रही होती है। एक जगह पे कितने लोग आना चाह रहे हैं उसी के ऊपर ये सारा डिपेंड कर रहा होता है। अभी तो अगर 19 की बात करें, तीन टावर्स बिल्कुल रेडी, 23, 24 and 12 ये तीनों टावर्स बिल्कुल रेडी हैं बैरिया किसी भी दिन की अनाउंस कर सकता है प्रोडक्शन तो उसके बाद देखें ना मतलब कितने लोग यहाँ पे भी आना चाह रहे हैं खास तौर पे ये डिजीज के बाद बैरिया ने एक दफा मेरे ख्याल में जैसे ही एनओसी अनाउंस करना है कि हम ओके हम देने हैं शुरू करते हैं एनओसी तो मेरे ख्याल में मल्टीपल, जो मेरे पास अपने काफी सारे लोग हैं जिन्होंने ये मुझे कहा हुआ है कि आपको जैसे ही हम एनओसी बैरिया इशू करता है तो हम बैरिया में आके रहेंगे। वो सारे क्लाइंट अभी भी लूप में हैं, वो डेली की डेली जो है ना इसकी आस्किंग करते हैं कि हम आना चाहते हैं यहाँ पे और यहाँ पे रहना चाहते हैं। ये अब खासतौर पर जैसे आप ये हीट वेव की बात कर रहे हैं तो बड़ा एक यहाँ पे बैरिया का कम्फर्टेबल इन्वायरमेंट है, यहाँ पे बड़ी अच्छी हवा चल रही होती है, ओपननेस है यहाँ पे, उस तरीके से नहीं है बहुत हाई राइज बिल्डिंग जैसे कराची शहर के अंदर है, वहाँ पे हवा अगर चले भी तो पता नहीं रुक रुक के ही आपको जाना है। वो असल में शहर की हवा और शहर से बाहर की हवा में फर्क होता है, टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री का ड्रॉप होता है। इसी वजह से ना लोगों का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है वेस्ट ओपन का। हाँ, क्योंकि वहाँ पे लोग बिल्डिंग के साथ बिल्डिंग है, बिल्कुल स्पेस नहीं है, तो लोग कहते हैं कि वेस्ट ओपन होना चाहिए। जब भी कोई क्लाइंट कॉल करता है वो यही कहता है पहला उसके क्वेश्चन में कि मुझे वेस्ट ओपन चाहिए, लेकिन जब उनको विजिट करवाया जाता है एक टावर को इन्होंने प्रॉपर जगह दी हुई है इन फ्यूचर केस के लिए भी, तो वह जब इनको विजिट करवा देता है तो वेस्ट ओपन को भी दिखाया जाता है और ईस्ट ओपन को भी दिखाया जाता है कि आप देखने, क्योंकि इन्होंने इसका वेंटिलेशन इस तरह से बनाया है, इसकी डायरेक्शन इस तरह की है टावर की कि जो हवा का जो एरिया है वो चारों तरफ से वो घूम के जाए, इसमें वो इशू भी खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन लेकिन देखें हाँ, क्योंकि वो करना चाहूंगा कि जो यूटिलिटीज हैं वो बेसिकली आगे से ओपन है, उनके पास आयरन के वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं और उधर से जाके किचन के थ्रू हवा आके और टेरेस से सर्कुलेट होती है। वेंटिलेशन वेस्ट ओपन हो, ईस्ट ओपन हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, डजंट मैटर। ये बस असल मसला ये है, जो लोग बाहर से आते हैं उनको इतना आइडिया नहीं है। हाँ, और एक कांसेप्ट तो उनको उनको ये चीज एजुकेट करना पड़ती है कि ये ऐसे नहीं है। जो लोग यहाँ जो लोग रह रहे होते हैं उनको पता होता है, वो यानी जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनसे बात कर सकते हैं कि ये कैसे है यहाँ पे, कैसी वेंटिलेशन का सिस्टम और कैसे मैनेज किया जाता है, ये प्रॉपरली उस वक्त पता चल जबरदस्त। चले जी, बहुत अच्छा रहा भाई, इंशाल्लाह फिर बात करते हैं कल। हाँ, लेट्स सी।